दोस्तों बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 बुरी तरीके से पीटा था, लेकिन बिग बॉस ओटीटी 2 पीटना नहीं चाहिए क्योंकि जियो सिनेमा की इज्जत का सवाल है। आईपीएल जैसा एक मेगा इवेंट के बाद ऑडियंस रिटेंशन तो चाहिए, तो बिग बॉस ला रहा है जियो सिनेमा वाले। इससे पहले तो भूत में आते थे, जियो सिनेमा पे इस बार बिग बॉस दिखाई देगा, तो इसलिए बिग बॉस ओटीटी 2 में किया जा रहा है कुछ बदलाव। ऐसा बदलाव जो कि झांसू तरीके से टीआरपी लाएगा और बिग बॉस को आसमान की ऊंचाई पे लेकर छोड़ देगा। उसके बाद गिरेगा या उठेगा उसके बाद बात की बात है। चलिए बता देते हैं इस बार क्या क्या चेंजेस होगा बिग बॉस में। दोस्तों इस बार बिग बॉस में जो पहला चेंजेस आएगा वो 24/7 लाइव स्ट्रीम रहेगा। हाँ दोस्तों लाइव स्ट्रीम तो हर बार ही रहता है, लेकिन इस बार क्या खास है, इस बार होगा लाइव स्ट्रीम में वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम होगा और वहाँ पर कोई भी इवेंट होगा वहाँ पर डायरेक्टली आप लोग वोट कर सकते हैं और ये 24/7 होगा। दोस्तों इसके बाद दूसरा जो होगा ये ब्रॉडकास्ट पूरा ही डिजिटल तरीके से होगा, सिर्फ जियो सिनेमा पे नहीं मल्टी प्लेटफॉर्म बेस्ड होगा ये, यहाँ तक कि फ्री प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पे भी यहाँ पर कुछ करने का प्लान है बिग बॉस वाले को। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है बिग बॉस विनर। जी हाँ दोस्तों इस बार बिग बॉस विनर को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इनाम मिलेगा मिलेगा, बिग बॉस की जो ट्रॉफी है वो भी मिलेगा, साथ में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो कि वो बिग बॉस 17 में डायरेक्ट एंट्री ले सके, वो पहले से ही डिसाइडेड रहेगा इस बार। दोस्तों बात करते हैं इस बार और एक चेंज या फिर आप कह सकते हैं ये एडिशन की, ये है बोनस। जी दोस्तों बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट को इस बार दिया जाएगा बोनस। टीआरपी जो हफ्ते ज्यादा आएगा उस हफ्ते उसी हिसाब से कैलकुलेशन बना के रहेंगे, तो उस हिसाब से उन लोगों को बोनस दिया जाएगा। तो ये दिया क्यों जा रहा है, ये कॉन्टेस्टेंट में थोड़ा कॉन्टेस्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है, थोड़ा उन लोगों को बूस्टअप करने के लिए दिया जा रहा है दोस्तों। और इस बार पांचवा और महत्वपूर्ण जो चेंज है वो होगा अनसेंसर्ड कंटेंट। जी हाँ दोस्तों इस बार बिग बॉस अनसेंसर्ड कंटेंट दिखाने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस जो कलर्स टीवी में आता था वहाँ पर सेंसर वाले का बहुत काट छाट करना पड़ता था, नहीं तो नेशनल टीवी पे नहीं दिखा सकते, लेकिन ओटीटी में ऐसा पाबंदी उतना नहीं है, तो यहाँ पर वो लोग फ्री है ज़्यादा वल्गरिटी या फिर ज़्यादा अनसेंसर्ड कंटेंट दिखाने के लिए। दोस्तों इसके बाद आपको बोनस पॉइंट बता देते हैं, वो होगा इस बार का टाइम। दोस्तों इस बार बिग बॉस 9 बजे से हर दिन आप दिखेंगे जो कि प्राइम टाइम है, क्योंकि नेशनल टीवी पे 10:30 बजे से दिखाया जाएगा और ये 18+ एज का शो बना दिया गया था, लेकिन ओटीटी में तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, आप 9 बजे प्राइम टाइम में देखिए बिग बॉस, दिल खोल के देखिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये सब चेंज करने के बाद बिग बॉस 2 हिट होगा या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।